जिंदगी में असफल हुए कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बात का आभास तक नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली थी तब वो सफलता के बहुत करीब थे। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस कराती है। जिंदगी में इन दो नियमों का पालन अवश्य करें। मित्रों रिश्तेदार यदि सुखी हो तो बिना निमंत्रण के उनके पास कभी ना जाए, और अगर किसी परेशानी या दुख में हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा कभी ना करे। व्यापार की सफलता का रहस्य है कुछ ऐसा जानना जो दूसरे लोग नहीं जानते। जीवन आपको तोड़ता है ताकि वो आपको फिर से बना सके। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लो जो लोग आपके ऊपर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग करके एक मजबूत स्मारक बनाओ अपने लिए। इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, चाहे वह अपने हक की लड़ाई हो या फिर किस्मत बदलने की। अगर आप एक अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनिए, क्योंकि अगर आप उसे काबू कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। दो अक्षर का होता है लक, ढाई अक्षर का होता है भाग्य, तीन अक्षर का होता है नसीब, साढ़े तीन अक्षर की होती है किस्मत, पर ये चारों के चार चार अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। अपने बड़े सपनों की चर्चा कभी छोटे सोच वाले इंसान के साथ मत करना, क्योंकि जिसके साथ आप चर्चा कर रहे हो उसकी भी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ सके। जिंदगी में जीतने वाला ही नहीं बल्कि ये समझने वाला भी कि कहां हारना है वो महान होता है। जिनके हौसले चट्टान होते हैं रास्ते भी उन्हीं के आसान होते हैं। मत घबरा इन परेशानियों से ऐ इंसान, जब बुरा वक्त नहीं टिका तो इन परेशानियों की क्या औकात है। जिंदगी में आपको वही मिलता है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित हो, इसलिए अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करो। शेर छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो कमर कस ले, क्योंकि जिंदगी आपको एक ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। जिंदगी में कुछ नया करने में कभी संकोच मत करना। नया काम करने में या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। हर तरफ अंधेरा है ऐसा कहने की बजाय अपनी आंखों से पट्टी उतारने का प्रयास करें। यदि आपने भगवान को सुख में याद नहीं किया तो फिर आपको उसे दुख में याद करने का कोई हक नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बुराई वही लोग करते हैं जो आपकी बराबरी करने की औकात नहीं रखते। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र होते हैं। यदि उपलब्धियां बढ़ेगी तो निश्चित ही आपकी आलोचनाएं भी बढ़ेगी। पानी पत्थरों चट्टानों से टकराता है परंतु फिर भी वो अपना रास्ता नहीं बदलता। तुम भी ऐसे बनो दोस्त कि मुश्किलों का तूफान कितना भी आए बस आप खुशियों का दीपक कभी बुझ ना पाए। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। ये दुनिया बोलने का हक तो छीन सकती है मगर खामोशी का कभी नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। आखिर हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। और लास्ट वाला मेरी तरफ से, मेहनत अभी काफी नहीं है ख्वाबों को पाने के लिए, अभी और पसीना बहाना है किरदार को महकाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।